सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त कचौरियाँ बनाने के लिए जो आटा इस्तेमाल होता है उसकी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए जी, अब देखते हैं कि क्या करना है और इसको किस तरह बनाएंगे। ये मैंने 3 कप जो है वो मैदा ले लिया है, ये ऑलमोस्ट 1/2 किलो के करीब जो हमारे पास मैदा है। नमक 1/2 चम्मच आपने हसबे जरूरत, जीरा 1/2 चम्मच और अजवाइन जो है वो 1/2 चम्मच। आप इन दोनों में से कोई एक चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ मैंने 1/2 प्याली के करीब जो है वो घी लिया है और ये स्क्रीन पर आप एक खाली बर्तन देख रहे हैं। अब आपने करना क्या है, इस मैदे में इस जो नमक को है वो शामिल कर देना आपने इस तरह, और इसको मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नमक जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हम करते हैं साइड पर। बर्तन में लेंगे जीरा, अजवाइन और ये घी। चलिए अब मैं इसको चूल्हे पर गर्म कर लेती हूँ और फिर जैसे ही ये पकेगा तो हम इसके अंदर 1 ग्लास के करीब पानी शामिल कर देंगे। ये देखिए, अब हमने चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये पिघलना शुरू हो जाएगा और हल्का सा ये पकेगा, जैसे हम भूनते हैं तो हम इसके अंदर पानी शामिल कर लेंगे। ये देखें जी, अब ये पक गया, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करने लगे हैं। ये 1 ग्लास हमने जो है वो पानी शामिल कर दिया। अब जैसे ये पकेगा हम इसको ठंडा करके इससे अपना कचौरियों का या समोसों का आटा गूंद लेंगे। मैंने इसको पानी शामिल कर दिया। जैसे ये हल्का सा नीम गर्म होगा हम चूल्हा बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा करके साथ ही हम इससे अपना आटा तैयार कर लेंगे। अब ये गर्म हो चुका है, मैं चूल्हा बंद करने लगी हूँ और 1 मिनट के बाद हम अपना आटा इस पानी से तैयार करेंगे। ये देखें जी, अब ये हमारा पानी जो है वो ठंडा हो चुका है, नीम गरम सा। अब मैंने इसके साथ समोसों की जो डो है वो रेडी करनी है या कचौरियों की। आटे में मैं नमक पहले ही डालकर इसको मिक्स कर चुकी हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। आपने इसको ना बहुत ज्यादा सख्त रखना है ना बहुत ज्यादा नरम रखना है, एक नॉर्मल सी आपने इसकी डो रेडी करनी है। ये देखें वैसे हमारा आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। अब आप ये साइड पर देख सकते हैं कि मैंने एक साफ न्यू जो है वो शॉपिंग बैग लिया है, इसके अंदर हम इस पूरी डो को जो है वो डालेंगे। इसके अंदर शॉपर के अंदर इस डो को डालना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो इससे आटा सॉफ्ट रहेगा, इसके ऊपर जो क्रैक्स बन जाते हैं और ब्राउन ब्राउन आटे के ऊपर वो सिक्कर सा आ जाता है वो भी नहीं आएगा और क्रैक भी नहीं बनेंगे। इस तरह से मैंने ये नॉड लगाकर आधे से 1.5 घंटे के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर आधे से 1.5 घंटे बाद हम इसके पेड़े बनाकर बेलेंगे। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये हमने कचौरियों की जो आलू की फिलिंग बनानी है उसके लिए मैंने आलू बॉईल करके इसको अच्छे से मैश कर लिया है। इसके साथ हम बारीक फाइन चॉप हरी मिर्चें इस्तेमाल करेंगे और मैंने फाइन चॉप प्याज इस्तेमाल किया। ये 1 प्याली आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जितनी जरूरत हो आप उस हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अनारदाना मैंने इसको पीस लिया, पीसने के बाद 1 चम्मच अनारदाना, पीसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच,
नमक हसबे जरूरत मैंने आधा चम्मच लिया, सुर्ख मिर्च एक चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। अब इन सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब हम आलुओं में, हमने आलुओं को मैश कर लिया, मैश करने के बाद इसके अंदर ये प्याज शामिल करेंगे, सूखा धनिया पिसा हुआ, अनारदाना पिसा हुआ, नमक, सुर्ख मिर्च और गरम मसाला, सबस कटी हुई हरी मिर्च, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये फिलिंग रेडी है। ये मैंने कचौरियों के लिए पेड़े तैयार कर लिए हैं। अगर आपको बड़े साइज की बनानी है तो बड़ा पेड़ा बना लें, मैंने नॉर्मल साइज का पेड़ा रखा है। अब हम इसको बेलेंगे। अब हम इसके अंदर फिलिंग ऐड करेंगे। इस तरह आपने इसको पकड़कर इसी तरह अब मैं सारी कचौरियां तैयार कर लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक कढ़ाई में तेल डालकर उसको गर्म कर लिया। अब ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर अपनी कचौड़ियां डालकर फ्राई करूंगी। चलिए आप फ्राई करते हैं। ये देखें, अब हम इसके अंदर कचौड़ियां डालते जाएंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। आपने इस तरह इसके ऊपर घी डालते जाना है ताकि ये अच्छी से फूल जाए और दोनों तरफ से ये इक्वली फ्राई हो जाए। ये देखें जी, अब कचौरी जो है वो पककर तैयार हो गई है। मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ। अब सेम इसी तरीके से मैं अपनी सारी कचौरियों को जो है वो पका लूंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमारी कचौरियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसको मैंने डिश आउट कर लिया और इसको ट्रेडिशनल तरीके के साथ चने यानी कि छोलों के साथ हमने इसको पेश किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।